जय। अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यमद भक्ति वेदांत श्रीलान गोस्वामी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथाथा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। कहाँ तक श्रवण किया था याद है? तरणी व्हाट डिड आई से? प्रभु कहे परश्लोक साध्य निर्णय राय कहे स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति है। साध्य निर्णय इसी के ऊपर ही मैं कई दिन से बता रहा था। ये महाप्रभु ने रायंद के प्रश्न क्या पूछा? न साध्य के निर्णय करो, साध्य में अल्टीमेट गोल। तो इस प्रसंग में मैंने बताया जीवों की अल्टीमेट गोल क्या है, ना स्वरूप अनुबंधी वृत्ति को प्रकाश करना। जीवों की स्वरूप अनुबंधी वृत्ति, स्वरूप अनुबंधी वृत्ति क्या है ना, जीव गठन के समय याद रखो अच्छी तरह से। आप लोग के बहुत प्रश्न किस लिए होता है, संशय होते गए ना, एक एक शब्द के ठीक से याद नहीं रखते। मैं तो बोलता रहता हूँ किंतु आप भूल जाते हो, इसलिए श्रवण के बाद क्या करना चाहिए? स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए मैंने क्या बोला। जीवों की जो स्वरूप अनुबंधी जो वृत्ति, स्वरूप अनुबंधी वृत्ति के तात्पर्य है जीव गठन के समय, याद रखो जी, जीव के हृदय में स्वाभाविक रूप में एक पोटेंसी रहता है, शांत दास सख वात्स माधुर्य, ये चारों ये पांचों रस में कोई नहीं एक पोटेंसी रहता है।
जैसे बीज में प्रोटीन सी है, सीड, कोई भी सीड हो, आम हो अथवा सरसों हो, कोई भी बीज हो, सब बीजों में क्या रहता है? प्रोटीन सी रहता है। किंतु वही बीज अनुकूल परिवेश यानी जल आदि, मिट्टी आदि, वायु और क्या बोले ताप, सूर्य के किरण प्राप्त करने पर वो बीज अंकुरित होकर के फिर अंत में वृक्ष आदि धारण करते हैं, फिर पुष्प पल्लवित होकर के फिर फल आदि प्रदान करते हैं। समझ गए? ठीक उसी प्रकार जीव गठन के समय अर्थात जीव जब भगवान से जब प्रकटित हुए, उस समय जीव के अंदर में हृदय में एक पोटेंसी रहता है, वो दास्य हो, सख हो, वत्सल हो, माधुर्य हो, वो है ही। जिस प्रकार जल में स्वाभाविक रूप में तरलता रहता है, जल गठन के समय ही जल की जो तरलता ये विराजमान है, जिसको हम H2O कहा जाते हैं। जल के स्वाभाविक धर्म है तरलता। नहीं, भले किसी कारण से वो कठिन हो जाए, माने बर्फ जम जाए, किंतु जल की गठन के समय तरलता रहता है, ये जल के धर्म है। अग्नि के स्वाभाविक धर्म के है ताप। कहने की तात्पर्य जो है, भक्तिमान ठाकुर इसी संदर्भ में कह रहे हैं, ये वस्तु में वस्तु की धर्म नित्य वर्तमान रहता है, वस्तु के धर्म रहता है, वही वस्तु के धर्म ही स्वभाव स्वभावी धर्म कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार जीव की स्वरूपगत वा स्वरूपानुबंधी वृत्ति जो है वो भगवान की सेवा करना, शांतरस छोड़ करके बाकी चारों रसों में सेवा वृत्ति रहता है। शांतरस में सेवा वृत्ति नहीं है, केवल अपने इष्ट देव के प्रति क्या रहता है? निष्ठा रहता है। इसलिए शांत में क्या है, सेवा वृत्ति, सेवा नहीं रहता है, ममता गंध ही। सेवा नहीं रहने से ममता भी नहीं होते है। सेवा की वृत्ति तब जगते है जिसमें संबंध ज्ञान के साथ ममता हो। माँ बालक के जन्म देने के साथ ही साथ सेवा वृत्ति जगते है, क्योंकि संबंध ज्ञान आ जाता है, मेरा पुत्र है, पुत्र संबंध, इसलिए सेवा वृत्ति आती है, चिंतन रहता है, अपने बेटे के लिए चिंतन करते कि नहीं करते, करना पड़ता है। अपने बेटा के लिए चिंतन करते हो कि नहीं करते हो? अपने पति के लिए चिंतन करते हो कि नहीं करते हो? अपने पत्नी के लिए चिंतन करते रहते हो? एक सांसारिक धर्म है, किंतु जब तक संतान संतति नहीं हो वा विवाह शादी नहीं हो तब तक सेवा वृत्ति नहीं जागते, न चिंतन होता है उसके लिए। ठीक उसी प्रकार जीव गठन, मैं जो इतने समय जो बताया, जीव गठन के समय कोई एक पोटेंशियल रहता है, वो शांत हो, दास हो, सख हो, वात्सल्य हो और माधुर्य।
है, ये रहता है। तो सेवा वृत्ति जाता है, इसलिए उसी की संस्कृत में हम कह रहे हैं बाबा भक्ति ठाकुर इस वाशिष्ठ ग्रंथ का क्या कह रहे हैं, जीवों की स्वरूप अनुबंधी वृत्ति। क्या बोला? स्वरूप अनुबंधित वृत्ति। स्वरूप समझ में आ गया, अनुबंधित मैंने उसे स्वाभाविक रूप में है, विराजमान है। वृत्ति मैंने स्वभाव, जीव के स्वरूप को तो अनुबंधी वृत्ति क्या है? कृष्ण सेवा, सेवा वासना। वो शांत रूप क्या वात्सल रूप में सेवा करे अथवा दास रूप में सेवा करें अथवा माधुर्य रूप में सेवा करें, सेवा वासना जीव के हृदय में है, सर्वगत धर्म है। केवल भक्ति ठाकुर कहते हैं जो ब्रह्म भाव संपन्न जी जन शांत रस होता है उसमें सेवा नहीं रहता है। ब्रह्म भाव, जैसे ब्रह्म भाव क्या है, ब्रह्म भाव वे भगवान है, ये ब्रह्म है, हमें कोई सेवा करना नहीं है, ऐसे जी पड़े रहते हैं, ध्यानस्थ होकर रहते हैं वो है। जिसके लिए उदाहरण दिया गया सनक सनंदन आदि, ये लोग ब्रह्म चिंतन में निमग्न थे, शांतरस के माना जाता है। बस इतना ही तक, वो पर ब्रह्म है बस, उसी की कहा जाता है ब्रह्म भाव संपन्न जीव कहा जाता है। ब्रह्म भाव है, मैं ब्रह्म हूँ ये नहीं बात रहते, ब्रह्म भाव है, कि वो है, भगवान है या ईश्वर है, भगवान हो नहीं हो ये वृत्ति नहीं रखते हैं, ये ब्रह्म भाव कहते हैं, ये वो है। भगवत भगवान की जो है ज्योतिर्मय स्वरूप मान लेते हैं, भगवान के ज्योतिर्मय स्वरूप मानते हैं है। वो ज्योतिर्मय क्या, भगवान की अंग कांति की ज्योतिर्मय स्वरूप मानते हैं। चलो, तो इसलिए कहते हैं जीव के स्वरूपगत अनुबंधी वृत्ति जर्व, जीव के स्वरूपगत अनुबंधी वृत्ति कहा जाता है कृष्ण दासत्व, मैं कृष्ण के दास, ये भाव रहता है। केवल ब्रह्म भाव संपन्न जीवों के छोड़कर के, अर्थात शांतरस भक्त के छोड़कर के है, बाकी सब रस में क्या रहता है, सेवा वृत्ति रहता है, सेवा भाव रहता है, सेवा भाव है। दास में हनुमान जी कहा जाता है सेवा, सख में सुबल सीधा आदि के उदाहरण दिया जाता है, वात्सल्य में नंद जसोदा के उदाहरण दिया जाता है, माधुर्य श्रृंगार रस में गोपियों की उदाहरण दी जाती है। किंतु सभी रस में, माने सभी रस कहने से फिर याद दिला रहा हूँ, शांत रस के छोड़ करके सभी रस में क्या रहता है, सेवा वृत्ति। इसलिए जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, यहाँ दास कहने से दास रस नहीं कह रहे, सेवा वृत्ति है, सेवा वृत्ति रहता है। सखम भी सेवा वृत्ति है, वात्सल में भी सेवा वृत्ति है, माधुर्य में भी सेवा वृत्ति है। इसलिए जीव स्वरूपगत तो जो है कृष्ण के नित्य दास है, ये बताते जा रहे हैं। इसलिए साध क्या है उसके बारे में बताया है, अपने अल्टीमेट गोल क्या है, जीवों की अल्टीमेट गोल भगवान की सेवा करना है। वो भगवत बुद्धि से करें अथवा
लौकिक सद्बंधु वृत्ति से करें। सेवा वृत्ति भी दो प्रकार की बता रहे हैं, एक है भगवत बुद्धि रख करके सेवा कर रहे हैं, वैकुंठ से लेकर के मथुरा तक जितने भी भक्त वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा जितने भी भगवान की सेवक है, ये भगवान के प्रति क्या रखते हैं, ऐश्वर्य बुद्धि रखते हैं, वे भगवान है ऐश्वर्य बुद्धि रख करके सेवा करते हैं। भले ही वो पति के रूप में सेवा कर रहे हैं क्योंकि वो पति भगवान है, जैसे रुक्मिणी सत्यभामा है, रुक्मिणी सत्यभामा सौक्या में पति पत्नी के रूप में तो रहते हैं किंतु कृष्ण के भगवान मानते हैं, आसन इसलिए रुक्मिणी सत्यभामा आदि अपने चरण धूल जो है कृष्ण के नहीं दिया, जिस कथा हम प्रसंग बताते रहते हैं, कृष्ण के सिर में दर्द हुई तो नारद ऋषि ने उनको कहा कि आप लोग अपने चरण धूली दे दीजिए जो उनके सिर की दर्द चला जाएगा, किसी ने नहीं दिया, क्यों, मेरा पति है वो है, पति होने के नाते ईश्वर बुद्धि रहता है कि नहीं, ईश्वर बुद्धि कृष्ण भगवान है ये बुद्धि रहता है, इसलिए वे लोग नहीं दिया किसी ने, यह कि देवकी वसुदेव भी कृष्ण के वात्सल्य भाव रखने पर भी क्या बुद्धि रखते हैं, ईश्वर बुद्धि, मेरा तो पुत्र है किंतु वो भगवान है, क्योंकि कंस के कारागार में कृष्ण ने उनको चतुर्भुज दर्शन कराया, वो याद है, देख लो ईश्वर, और नंद यशोदा देखने पर भी वो चतुर्भुज में देखा है, अथवा विश्व ब्रह्मांड के मुख में देखा है, मानते नहीं, इसलिए देख लो ईश्वर, देख लो नामाने ईश्वर है, ये दिखा दे। अर्जुन कृष्ण के क्या बोले वो देखा, क्या देखा, विराट स्वरूप देखा, देख रहे भयभीत हो गए, कारण सखेति मत्वांग प्रसभंग जुदुक्तम, ये आपको मैंने सखा करके जब मैंने पुकारा ये मेरा गलत हो गया, अपराध हो गया, आप भगवान हो, हे कृष्ण आप मुझे क्षमा कर दीजिए, ये क्या सख कृष्ण सख भाव रखते अर्जुन किंतु ऐश्वर्य बुद्धि, और वही सुवर्ण सिद्धांत कृष्ण के ऐश्वर्य देखा, चतुर्भुज दिखाया, दीर्घ विष्णु में जाकर हम जो कथा सुनाते हैं है? किंतु उसके भगवान नहीं मानते हैं, गोपियों भी ऐसी भी है, कृष्ण ने चतुर्भुज धारण किया बैठे गांव में, गोपियां कहते हैं ये हमारे कृष्ण नहीं ये नारायण है, प्रणाम करके चले गए, गोपियां चली गई, कृष्ण के भगवान नहीं मानते, कृष्ण प्रतिपादन करना चाहते हैं गोपियों के सामने, मैं वही राम हूँ, अरे राम है तो दिखाओ कैसे है, बंदर के लिए करके आओ, ये ब्रज में बंदर कहाँ से आ गया, ये सब तो अयोध्या के रहने वाले बंदर है, ब्रज में बंदर कहाँ से आ गया, कोई के वक्ता कहते हैं बोले कृष्ण ने बंसी बजाई, गोपियाँ कहना जैसे हम जाते हैं ना कहाँ पर काम्बोवन में, काम्बोवन में वहीं पर सेतुबंधा रामेश्वर है दर है, वहाँ पर भी है सब, देखा आपने नहीं देखा, बहुत लोग एक साथ में जाते हैं वहीं पर जाते ही नहीं है, बहुत सुंदर स्थान है, एकदम कहाँ देखा आपने, वो तो विमला कुंड से आगे जाना पड़ता है,
गए थे आज, बहुत अच्छी बात है। पहले पहले गुरुदेव के साथ हम लोग जब परिक्रमा करते थे ये सब स्थान जाते, क्यों काम्बोवन में 2-3 दिन हम रुकते थे, है 3 दिन काम्बोवन में रुकते थे, कम है तब से 40-50 है होने के नाते वहाँ पर रुकते थे, इसलिए उस सब स्थान दर्शन करने के लिए सुलभ होता था। आज बहुत लोग जाते हैं ना, है रुकते ही नहीं है, और कथा कहाँ होती है, हैं चलो चलो खाने पीने के लिए व्यस्त हो जाते हैं, हैं 12-1 बज जाते हैं, विमला कुंड में जाग के बस पत्थर लेकर के बैठते हैं, वही चल जाते हैं। किंतु उस समय हम लोग विमला कुंड पर रहते थे, विमल कुंड है ना, है सुबह शाम गुरुदेव हरि कथा बोलते थे, हैं और ये सब स्थान दर्शन होता था। आज आज जो ब्रजमंडल परिक्रमा हम करें, वास्तविक सब जगह में जा नहीं पाते, ना हरि कथा होती है ना कुछ होता है, केवल उसी बस लोगों की खाने पीने व्यवस्था में ही समय चला जाता है, और 3-3 भाषा में 2-2 भाषा में ये सब बोलने कहाँ हो, समय कहाँ रहता, वक्ता भी बहुत है। उस समय केवल एक ही वक्ता था, कौन थे, गुरुदेव थे, अभी तो बहुत वक्ता हो गया, जो माइक पकड़ लेता छोड़ता ही नहीं है, तो इसलिए उस तात्पर्य है गोप कृष्ण कह ले मैं वही राम हूँ, गोविंद राम कैसे हो गए। आज बोले हम लोग गोपियाँ कहने लगी जाम पूर्णमासी से सुना रामायण की कथा कभी कभी, है ये कृष्ण ने केवल रामचंद्र के साथ बंदर भालू था, है उन्होंने समुद्र के ऊपर पत्थर के द्वारा सेतु बंधन ब्रिज बनाए, हैं पुल बनाए, गोपियाँ कहने लगे देखो यहाँ से लेकर के वहाँ एक सरोवर है, अब यहाँ पर भी वहाँ पर भी अभी तक भी है, यहाँ पर एक सरोवर इस सरोवर में इस किनारे से उस किनारे तक पुल बना करके दिखाओ, है तो कृष्ण ने क्या की बंसी बजाई, है और बंसी बजाने के साथ हजारों जो है बंदर आ गया, मैं कहता हूँ बंदर ब्रज में बंदर कहाँ से आ गए, हैं ब्रज सब बंदर कहाँ के रहने वाले सब अयोध्या के भगाओ वहीं पर। वृंदावन में इतने बंदर उत्पात करते है कि नहीं, हैं चश्मा तो लेकर के चल नहीं सकता, हरि नाम की जपमाला और मानी बैग है मोबाइल लेकर भाग जाएगा। हाँ हमारे मेरा एक तो टोपा भी लेकर चला गया, ऐसे उठे मैं आ रहा था कहाँ सेवा कुंज निधु मन देख करके आए थे ना, टोपा भी लेकर के बन गया, अरे वो भी छोड़ता नहीं है, चश्मा तो है ही है और टोपा भी लेकर वो भी खाने का थोड़ी होता है, आप बताओ ये भी विचित्र है। चलो गोपियां कहने लगी है बंदर के द्वारा पुल बनाओ, कृष्ण ने बंसी बजाई हजारों बंदर जी एकत्रित हो गया, है और देखते देखते वो बंदर ना जाने कहाँ से पत्थर लेकर के बंद, गोपियों ने देखा है वहीं पर रामेश्वर भी है, जैसे रामचंद्र ने शिव जी के विग्रह स्थापित किया
सब है। अच्छा गोपियाँ ये देखा कि नहीं देखा, विश्वास नहीं करते हैं कृष्ण ही राम है, कृष्ण भगवान है, है? क्योंकि शुद्ध वात्सल्य शुद्ध सख और शुद्ध माधुर्य रस में सिंगार रस में कृष्ण के प्रति तनिक भी ऐश्वर्य बुद्धि नहीं रखते हैं, रखते आसान ये होता ये विचार है, समझ में ये समस्त विचार दिखाया गया। मेरे कहने की तात्पर्य है जीव गठन की स्वरूपानुबंधी वृत्ति के बारे में जो मैं बताया, ये जीव गठन के समय याद रखना क्या बताया, हाँ जीव गठन के समय क्या है, गठन माने गठन नहीं समझती है इसको, हैं व्हेन जीव मैनिफेस्ट, जब जीव उत्पत्ति हुई, गठन माने उत्पत्ति होना है, ये तो हिंदी शब्द है, जैव धर्म में यही शब्द प्रयोग किया गया है, जीव गठन के व्हेन जीव वॉज मैनिफेस्टेड फ्रॉम कृष्णस मार्जिनल पोटेंशियल, जीव गठन के समय है, समझ में आया कि नहीं, हाँ गुजराती में जैव धर्म प्रकाश करो है कि नहीं, कर सकते हो गुजराती है क्यों, तो गुजरात में कैसे प्रचार होगा, भक्तिमोहन ठाकुर के ग्रंथ को प्रकाश करना पड़ेगा ना, इसलिए तो वहाँ पर एक क्या होनी चाहिए, सेंटर होना चाहिए, आश्रम होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए, लोगों के उत्साह देना चाहिए, क्योंकि शास्त्र अध्ययन नहीं करे, भक्तिमोहन ठाकुर विचार नहीं जाने है तब कैसे हुआ, इसलिए ग्रंथ अध्ययन ग्रंथ प्रकाशन है, आया समझे, ग्रंथ प्रकाश नहीं हो तो प्रचार अधूरा हो जाए, अधूरा समझते हो, इनकम्प्लीट हो जाए, क्योंकि कथा बोले हम कथा बोले सुन दिया और पैसा चढ़ा दी, सीधी बात, दक्षिणा दे दिया गुरु आ गया, और शिष्य क्या है, शिष्य भी बना दिया, हरि नाम दे दिया, दीक्षा दे दी, किंतु ग्रंथ नहीं रहने पर शिष्य शास्त्र अध्ययन नहीं करे तो उनकी आगे नहीं बढ़ेगा, है कि नहीं, किंतु कलिकाल के मनुष्य के जीव के मनुष्य की क्या है, स्मृति शक्ति कम है, भूल जाते हैं, अभी बोला दो मिनट के बाद यहाँ पर जाओगे भूल जाओगे कि नहीं भूल जाओगे, सीधी बात है, इसलिए कथा सुनने के बाद फिर स्मरण क्या बोला था है, फिर उसके ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हो तो लोग बार बार अध्ययन करेंगे, याद रहेगा, है कि नहीं, तब तो होता है, यू अंडरस्टैंड, क्योंकि जब तक ग्रंथ अध्ययन नहीं हो है हो गए है, इसलिए मैं उसी की बात सच बताता हूँ, प्रचार हमारे सफल होता है जब शिष्य गुरु के विचार को लेते हैं, विचार तब लेते हैं जब ग्रंथ हो, इसलिए भक्ति वेदांत तो साईं महाराज विदेश में प्रचार की साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, ग्रंथ के प्रकाश किए, इतने ग्रंथ प्रकाश किए जिससे सारे विश्व में कितने भाषा में सारे ग्रंथ के प्रकाश किए, उनके हरि कथा से लेकर के सभी, क्योंकि ग्रंथ ही हमारे जो है प्रचार के मूल मुद्दा है, मुद्दा समझते हो,
आधार है, विषय है, मुद्दा मैंने विषय है, सब्जेक्ट मूल सारे। क्योंकि हम मानो कहीं पर गए, पंजाब में गए है, हो गया हल्ला, हो गया कर दिया बस, शिष्य भी कर दिया, क्या होगा, वो भूल जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, हैं फिर दूसरी गुरु पकड़ लेते हैं, कहते हैं हाँ वो आया थे है, मैं उनके मंत्र जपाई नहीं अभी तक, फिर हमारा आप दूसरी दे दो, फिर दूसरी गुरु, तीसरी गुरु, ऐसे चलते जा रहे। इससे उसके कल्याण नहीं होता है, समझ रहे। इसलिए प्रचार हमारे सफल होता है ग्रंथ आदि प्रकाश आदि के द्वारा, बृहत मृदंग सेवा। भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने क्या किया, ग्रंथ सेवा। जितना मैं कहता ना, हम कहते ना गुरुदेव आपका क्या सेवा करूँ, कहीं पर मैं जाता हूँ, मेरे यही सेवा करो, ग्रंथ सेवा करो है। एक दिन हम भी चले जाएंगे, तुम भी चले जाएंगे, सभी चले जाएंगे, कि संसार के नियम है। किंतु एक ग्रंथ युग युग तक युगांतर रहेगा है। रूप गोस्वामी पाद आज से कितने साल पहले, 500 साल के ऊपर है, किंतु उन्होंने ग्रंथ लिख करके गए कि नहीं, और वही ग्रंथ जो अभी चलते आ रहे हैं, लोग उसके पढ़ रहे हैं, रूप गोस्वामी जी स्मरण कर रहे हैं, उज्जल मुनि भक्ति राम सिंधु जितने भी ग्रंथ है, कृष्णदास कविराज चैतन्य चैतन्य लिख करके गए है। यदि ये ग्रंथ प्रकाश नहीं होते तो हम लोग भूल जाते सब है। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग ग्रंथ सेवा करो। क्या सेवा करोगे? हाँ रसी बना करके खिलाते दिन भर, मनुष्य नहीं बेटा मनुष्य है अरे रसोई बना करके क्या करोगे अरे ग्रंथ सेवा करो, हरि कथा को अपने मातृभाषा में प्रकाश करो, डू यू अंडरस्टैंड हैं। इन्होंने एक ग्रंथ प्रकाश किया, अच्छा है क्या, नहीं अरिजमाइन लिख दिया, इटर्नल लव है, पढ़ी दैट जो कथा भागवतसता अबाउट द गोपी संसदन, तो ब्लेस दे भागवतसता है। चलो कम से कम तो कुछ किया है, तुमने क्या किया, अच्छा इन्होंने देख कर रहे हैं क्या गुरुदेव की गुजराती भाषा में है, अच्छा चलो ये भी अच्छा है। आपने क्या कर रहे हो मोदी स्मृति ने क्या, तुमने क्या कर रहे है, हाँ आपने क्या किया, सबको पिटाई बनाना चाहिए ना, करो नहीं करते, करो ये भी कर रही थे फिर रुक दिया, कुछ कर रही थे कभी, गुरुदेव गुरुदेव करने से थोड़ी होता है, सेवा करो। क्या सेवा करो, ग्रंथ सेवा करो। हाँ हाँ आप लोग कर रहे, उत्साह देता हूँ, बहुत अच्छी बात है। रोटी बना करके एक रोटी काटते तुम, दो रोटी काटते, रोटी की बात, सेवा करो है, ये तुम्हारी भी लोग याद करेंगे है, हमारे भी याद करेगा, तुम्हारी भी याद करेगा, इसलिए सेवा करो सब। क्या सेवा करोगे, ग्रंथ से है, है कि नहीं, यही मुद्दा, यही जो है हमारे ग्रंथ की सेवा, हरि कथा की सेवा, समझ में पटी दे। हाँ वो भी सेवा करती है रशियन लैंग्वेज में है, अच्छा है, है? आज इंग्लिश में ये लोग ने किया है, राधाकांत दी और क्या कौन कौन बहुत लोग किया,
अनुगमन प्रभु और ब्रज किंतु से अधिक रूप में विस्तार होनी चाहिए सेवा है। गुरु क्या चाहते हैं? सदगुरु चाहते हैं ये ग्रंथ प्रकाशित हो। जितने भी आचार्य हमारे यहाँ है, श्रील गुरुदेव लेकर के भक्ति भक्ति श्रील भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, भक्तिवेदांत प्रभुपाद, भक्ति प्रज्ञान, इनके जीवन की इतिहास देखो। शिष्यों के क्या करते थे? अनुप्राणित करते थे, अनुप्राणित उत्साह देते या आप लोग ग्रंथ सेवा करें। अच्छा, रोटी बनाने में सेवा मत करो, है सेवा किस में लगाओ? ग्रंथ में। आप लोग सब योग्य है, अयोग्य नहीं है, सब क्या है? योग्य है, है? उसी के क्या करो, है लगाओ, है ये पेंटिंग करते है? अच्छा है कि नहीं? जितने ग्रंथ है इनके सब अवदान है कि नहीं? है सुंदर सुंदर चित्र है कि नहीं? है केवल ऐसे किताब लिखे तो लोग पढ़ेंगे नहीं, कम से कम चित्र देखे तो बोले अच्छा है, पढ़े ना पढ़े घर में रख देते है। इसलिए चित्र सेवा करती है, चित्र सेवा उन्हें आर्ट है। अच्छा जी, बहुत सुंदर है। इंदिरा देवी, डू अंडरस्टैंड? हाँ, शी इज वेरी नाइस इंग्लिश मैन है। सेवा, ग्रंथ सेवा होनी चाहिए। चलो, इसलिए मैंने कहा था, क्या बोला? जीवों की स्वरूप अनुबंधी वृत्ति, अर्थात जीव गठन के समय जीव में जो स्वाभाविक जो पोटेंसी रहता है, व्हेन जीव वॉज मैनिफेस्टेड फ्रॉम कृष्ण मार्जिनल पोटेंसी, उसमें स्वाभाविक में स्पॉन्टेनियस है, जीव के धर्म है, स्वभाव है, उसी की कहते हैं हमारे साध है, उसके प्रकाश में। प्रभु जी कहे, प्रभु कहे पर श्लोक साध्य निर्णय, जीव की स्वरूपगत धर्म की अल्टीमेट गोल क्या है, इसी के प्रतिपादन करने के लिए, स्थापित करने के, इस्टाब्लिश करने के लिए राय ने क्या कहा? कहाँ से शुरू कर रहे हैं? मतलब कहाँ से शुरू कर रहे हैं? वर्णाश्रम धर्म से शुरू करते जा रहे हैं। स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति है, ये कहते हैं जी, सधर्म आचरण है। ये हाँ, और एक मैं बताया था क्या, जीव में एक रहता है स्वतंत्रमय सेवा रहता है, दो में दो प्रकार की सेवा होता है, एक स्वतंत्रमय सेवा और एक अनुगत्यमय सेवा। स्वतंत्रमय माने इंडिपेंडेंटली, सर्विचुअल मूड इंडिपेंडेंट, जो कृष्ण की नित्य परिकर है उनकी जो सेवा होती है उसकी स्वतंत्र में ही सेवा रहती है। कैसे कृष्ण की सेवा करना वो रहता है, उसके स्वतंत्र में ही सेवा कहते हैं। और एक होता है अनुगत में ही सेवा, जैसे ललिता विशाखा आदि इन लोगों की सेवा कहा जाता है क्या? स्वतंत्रमयी सेवा है। ललिता विशाखा आदि श्रीमती राधिका कृष्ण की सेवा करती है, इन लोगों की सेवा के कहा जाता है स्वतंत्रमयी सेवा है। आज उसमें विशेष करके श्रीमती राधा की स्वतंत्र मीन्स अपने इच्छा से इंडिपेंडेंटली
स्वतंत्र में ही सेवा होती है। क्या बोला, समझ में आई? क्या बोला? स्वतंत्र में ही सेवा होती है। और उसी परिकरों की अनुगत में जो सेवा होती है जीवों की, क्या न अनुगत्य में ही सेवा प्रधान होता है। अनुगत्य में ही सेवा अर्थात नित्य परिकरों की अनुगत्य में जीवों की सेवा करना, इसलिए परिकर और जीव में इतना ही अंतर होता है। जीव जो है साधारण रूप में जीव के जो तत्व हम बताते हैं ये कृष्ण के क्या बोलते हैं तरस शक्ति के प्रकाश कहा जाता है, द मर्जिनल पोटेंशियल। जीव वॉज मैनिफेस्टेड फ्रॉम द मर्जिनल पोटेंशियल ऑफ लॉर्ड, भगवान की तरस शक्ति जीवों की उत्पत्ति कहा गया। और परिकर क्या है? भगवान की सर्वशक्ति के मूर्त प्रकाश, जैसे श्रीमती राधिका, ये जीव तत्व नहीं है, याद रखना पड़ेगा। ललिता विशाखा भट सुबल श्रीदाम नंद जसोदा ये जीव तत्व में नहीं आता है, ये किस तत्व में आता है? परिकार तत्व में है, इतना ही। इसलिए जीवों की जो सेवा, भगवान की जो सेवा जो है, वह कृष्ण की सेवा होती है, वो क्या? अनुगत्य में ही सेवा, परिकर के अनुगत्य में ही सेवा होती है। आप नंद जसोदा नहीं बन सकते, किंतु कृष्ण की यदि वात्सल्य रूप से सेवा करना है तो नंद जसोदा के अनुगत्य में। इसलिए सेवा की दो भाग दिखाए, एक स्वातंत्रमयी सेवा और एक अनुगत्यमयी सेवा है, ये दिखाते हैं। समझ में आया? सेवा होने को कथा मैंने बताया है। और सेवा की उसे कहते फिर होता है संबंध ज्ञान के अनुसार सेवा होती जा रही है, जो जिसके साथ जैसे संबंध है, कृष्ण के साथ संबंध है, कोई सक्कर कोई सक्कर संबंध में भाव में सेवा कर रहे हैं कि वात्सल्य में, कोई श्रृंगार रस के अनुसार है, कंजुगल मूड जिसको कहा जाता है, सेवा की वृत्ति होता है। हाँ, इसलिए कहा जाता है जीव सर्वदा कृष्ण कृष्ण के दास है, इसलिए जीवों के स्वातंत्र में ही सेवा नहीं है। जीवों की सेवा क्या है? अनुगत्य में ही सेवा, ये इतना ही याद रखना, इतना ही बात। परिकर और जीव में दो अंतर में बताया, ये परिकर जो होते हैं दो ज्वार द इटर्नल एसोसिएट्स और कृष्ण, कृष्ण के जो परिकर जो है वो जीव तत्व में नहीं आते, परिकर तत्व वो मानो साक्षात कृष्ण के स्वरूप शक्ति की प्रकाश, स्वरूप शक्ति के प्रकाश में, और जीव तरस शक्ति के प्रकाश में। इसलिए यहां पर भी कह रहे हैं जीवों में स्वतंत्रमयी सेवा के अधिकार नहीं है, अनुगत्य सेवा में उनके अधिकार है। इसलिए अनुगत्य ही दासों के धर्म है, इसलिए कहते हैं कृष्ण के स्वरूप शक्ति वृत्ति नित्य परिक्रमण के स्वतंत्र सेवा अधिकार, याद रखना पड़ेगा। ऐसा कुछ, क्योंकि कुछ वार्ड जो है टेक्निकल वार्ड है, उसको याद रखना पड़ेगा है, कुछ टेक्निकल वार्ड जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे स्वातंत्रमयी सेवा, अनुगत्यमयी सेवा, ये समस्त क्या है? टेक्निकल वार्ड। जैसे साइंस में टेक्निकल वार्ड रहता है, ठीक उसी प्रकार वैष्णव विचार में ये समस्त टेक्निकल वार्ड है। क्या क्या बताया है? स्वातंत्रमयी सेवा और अनुगत्यमयी
और स्वतंत्र में अनुगत है, और वो सेवा भी कैसे होते हैं, संबंध के अनुसार। कृष्ण के लीलारस वैचित्र आस्वादन के उद्देश्य से लीलाशक्ति, इसी प्रकार अनेक प्रकार के संबंध के अभिमान रखते हैं। संबंध के अभिमान, मैं कृष्ण के माता पिता हूँ, मातृपितृत्व अभिमान रहता है किसमें, परिकर जो नंद जसोदा वात्सल रस में, मैं कृष्ण के नित्य माता माता पिता, मैं कृष्ण के जन्म दिया है, ये अभिमान रहता है। इस संसार में जड़ अभिमान, मेरा बेटी है कृष्ण प्रिया है कि नहीं है, ये क्या, मैं उनकी माता हूँ, ये अभिमान जड़ अभिमान इसको कहा जाता है। हाँ, इसको कहते हैं जड़ अभिमान, फॉल्स ईगो जो रहता है। और अपराग्ध चित जगत में अभिमान क्या है, नित्य अभिमान, ट्रू है। अभिमान तो है इस संसार में जीवन की, जो अभिमान होता है जड़ अभिमान, और चित्त जगत में अभिमान नित्य है कि नहीं। हाँ, अभिमान, क्योंकि वही अभिमान ही हमारे है सेवा की तरफ ले जाते हैं। क्या अभिमान, मेरा बेटा है ये अभिमान है, किंतु इस जगत में जो अभिमान कहते हैं ये नित्यता नहीं है, ऐसे अनित्य अभिमान। हम फॉल्स नहीं कहते, गौड़ीय विचार में इसको क्या कहते हैं, अनित्य है, ये भी टेक्निकल वर्ड हो जाता है, फॉल्स ईगो है, मिथ्या अभिमान, किंतु ये है टेम्पोरारी है, टेम्पोरारी है। शरीर परिवर्तन होने के साथ ही साथ वो अभिमान भी चला जाता है, यही तो है। वैष्णव सिद्धांत तो इसी प्रकार कहा जाता है, अद्वैतवादी लोग सब झूठ बोलते हैं, मिथ्या, मिथ्या समझते हो, झूठ है, फॉल्स, किंतु वैष्णव शास्त्र में उसको थोड़ा मॉडिफाई करके शब्द यूज कर रहे हैं। क्या शब्द कर रहे हैं, अनित्य संबंध है, इसे नित्य है, मेरा बेटा है, मेरे बेटी है, किंतु कब तक है, जब तक से शरीर में, शरीर परिवर्तन हो जाए ये अभिमान भी परिवर्तन, किंतु देखो नंद जशोदा कृष्ण के नित्य माता पिता है, उनकी, इसलिए उनकी जो अभिमान जो है वो क्या है, नित्य है, नित्य चिरंतन शाश्वत इटर्नल एंड ट्रांसेंडेंट, इतना ही है। चलो, इसलिए हम कहते जा रहे हैं ये सर्वशक्ति के वृत्ति भूत नित्य परिकृत के स्वातंत्रमयी सेवा अधिकार है, सेवा विषय सर्वशक्ति की स्वातंत्र सेवा उसमें है, और यह समस्त जो है अभिमान कैसे इसलिए प्रयोग कराते हैं, लीला शक्ति है, कृष्ण की जो लीला शक्ति जो है वैचित्रमय रस आस्वादन कराने के लिए है, ये समस्त अभिमान अनादि काल से उनके हृदय में है,
और वो संबंध स्वाभाविक है, आगंतुक नहीं है। आगंतुक मीन्स आगंतुक किसको कहा जाता है? बाहर से आए उसके आगंतुक कहा जाता है, किंतु ये आगंतुक नहीं है, माने बाहर से नहीं है। जैसे अग्नि के जो दाहिका शक्ति बाहर से नहीं आते, अग्नि में ही विद्यमान है, समझे? इनके और जीव बद्ध दशा में आगंतुक आ जाता है, है? माया से ले लेते, धार ले लेते, उधार ले लेते हैं, ये शब्द प्रयोग होता है। आगंतुक शब्द अर्थ समझ में आता हो क्या है? जो हमारे आगंतुक शब्द होता है, जैसे एक शब्द बता देता हूँ और भी स्पष्टीकरण हो जाता है। ये आप घर में कितने लोग रहते हो? आपके घर में कितने प्राणी है? पांच है। तो आप पांचों के लिए हर रोज रसिक बनाते हो, है? अच्छा, किंतु एक व्यक्ति कहीं आपके मित्रों व कहीं से आ गए, वो आपके घर के सदस्य नहीं है, पांच ही तो है ना, है? तो आज कितने व्यक्ति के लिए बनाओगे? फिर छह के, एक व्यक्ति बाहर है। ये व्यक्ति जो आ गया, इसको कहा जाता है आगंतुक, है? ये गेस्ट जिसको कहते हैं, अतिथि कहा जाता है, ये आगंतुक। ठीक उसी प्रकार जीव की लीला वैशिष्ट, वे भगवत लीला लीला रस आस्वादन करने के लिए लीला शक्ति ये समस्त क्रिया आदि करते रहते हैं। आ समझ क्या बोला बताओ? माया बाद गया, माया से ले लेते, जैसे आप जो पुत्र अभिमान कर रहे हैं, इस जड़ शरीर में हम पुत्र अभिमान कर रहे हैं, मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र जो है, ये शब्द कहाँ से लिया? माया से ले लिया, है? ये हमारे नहीं है, शुद्ध जीव का ये नहीं था, वो शुद्ध जीव का ही तो था कृष्ण के प्रति, है? कृष्ण के सेवा करना ये जीवों की क्या है? नित्य था। माया से मोहित होने के नाते हम माया से हुई वस्तु ले लिए और उसके ऊपर हम प्रयोग कर रहे हैं, ये मेरा पुत्र है, जड़ अभिमान, देह अभिमान, सब अभिमान में आता है। ये अभिमान जो है, इस जड़ अभिमान, ये आगंतुक है, एक दिन ये चला जाएगा। जैसे अतिथि आपके घर में थोड़ी रहेंगे हर रोज, कितने दिन तक रहेंगे? हैं? दो चार दिन रहेंगे, अच्छा। हिंदू धर्म में जो देव देवी के पूजा आदि है, ये सब आगंतुक कहा जाता है, है? आगे सुनिए, ये सब आगंतुक है, आप विचार करके देखो, है? हनुमान जी के पूजा करते हैं देव जो लोग, कितने दिन करते हैं? 9 दिन हनुमान की पूजा करते लोग, है? देवी दुर्गा आदि के करते हैं 7 दिन करते हैं, दुर्गा पूजा होती ना, है? आ समझे, ये सब लिखा गया शास्त्र में, है? 7 दिन के बाद क्या करते? उसके विसर्जन देते, जा, है? विसर्जन देते, जा देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। उसके अतिथि की तरफ बुलाते हैं, फिर चले जाते हैं।
किंतु वैष्णव में कृष्ण की जो पूजन जो है ये नित्य ही कहा जाता है। आज समझ, इसको समझने के प्रयास करो। जो लोग देव देवी की पूजा आदि करते सब आगंतिक रूप में है, अपने कार्य सिद्धि हो जाते फिर देवी के विसर्जन दे दो है, देवी पूजा होता है कि नहीं होता है। तो क्या बोले, नवदुर्गा करते हैं, नौ दिन करते, नवरात्रि नौ दिन के बाद क्या करते, नौ दिन तो व्रत रखा, प्याज लहसुन छोड़ करके रखा है, नौ दिन प्याज लहसुन देवी के बुलाया और फिर देवी के बोले जाओ हमें प्याज लहसुन खाना है, हैं बोले कब तक भाई देव, नौ दिन चलो, नौ दिन हम तपस्या की। ये देव देवी के इसलिए कहता है, कहते क्या देव देवी के पूजन में इसलिए कहता है आह्वान विसर्जन है, आह्वान मीन टू वेलकम और विसर्जन मीन्स चलो। किंतु वैष्णव शास्त्र में इसका नहीं है, नित्यता भगवान नित्य विष्णु सेवा नित्यं सेवया है, भगवान श्रीहरि की नित्य सेवा होती है, समझ है। जिस दिन से हम प्राण प्रतिष्ठा कर दिया उस दिन से नित्य सेवा, जब तक हमारे शरीर रहे सेवा। प्राण प्रतिष्ठा सेवा करते हैं, सेवा कर सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा इसलिए करते हैं उसके विश्वास को जो है दृढ़ता करने के लिए, हाँ सुन, नहीं तो उसके कहते कि साधारण मूर्ति है, खिलौना है। किंतु इसलिए सनातन को स्वयं पाद भी बृहद भागवत में वर्णन किया गया, एक तृण के भी, तृण समझते हो धूप की घास के भी, भगवत स्वरूप ज्ञान करके सेवा करें वो भगवान उसकी सेवा प्राप्त कर लेते हैं। ये प्राण प्रतिष्ठा आदि ये सब किस लिए कराया जाता है, उनकी दृढ़ता के लिए और कुछ कारण नहीं है, है? क्या प्राण प्रतिष्ठा करें, वो तो नित्य ही है, है? जो वस्तु नहीं था उसकी प्रतिष्ठा करना, क्या उसमें नहीं था क्या, भगवान तो सर्वत्र ही है, परमात्मा रूप में कहीं नहीं है, हाँ समझ, भगवान परमात्मा रूप में सर्वत्र ही है ही, वो केवल उसकी प्रकाश करना। आज इसमें बहुत विचार दिया गया, एक शब्द कहने से नहीं होता है, है? ये विग्रह प्रतिष्ठा मंदिर प्रतिष्ठा आदि करने की तात्पर्य यह है साधक की दृढ़ता के लिए। भाई आप तुलसी आरती करो, कहाँ गए सुनो, कहाँ गए हैं, क्या दिल्ली चले गए, अच्छा एकदम व्यस्त व्यस्त अर्चा विग्रह है, भगवान आपके भावग्राही जनार्दन, आपके भाव यदि शुद्ध हो वो प्रतिष्ठित हो अथवा नहीं हो ग्रहण कर लेते हैं, और भाव यदि शुद्ध नहीं है प्रतिष्ठित होने पर भी नहीं होता है, है? आसमान जी भाव शुद्ध होने चाहिए, है? जिसके भाव शुद्ध नहीं होता है उसे क्या, और जिसके भाव शुद्ध हो भगवान उसे ग्रहण कर लेते, जैसे उदाहरण दे मीराबाई की कथा हम सुनते हैं, ठाकुर जी प्रतिष्ठित मेरा गिरिधरी, देखो उसके कितने भाव में वो शुद्ध भाव में से बात है, और उसे ठाकुर जी से बात करना शुरू कर दिया, है किया कि नहीं किया बताओ,
जो विग्रह आदि प्रतिष्ठा आदि जो हम जो करते हैं, शास्त्र विधि है ये, क्योंकि विधि मार्ग से दिखा गया तो लोगों की चित्त तो अरे ये विग्रह प्रतिष्ठा ये तो पत्थर है। जब विग्रह प्रतिष्ठित हो जाता है प्राण प्रतिष्ठा आदि करते हैं तो आप उसके श्रद्धा भक्त कहीं अपराध ना हो जाए। है मीराबाई की कथा हम सुनाते हैं, किसने उनके विग्रह की प्रतिष्ठा किया? अरे ये वो भी छोड़ दीजिए है, जैसे कुछ विग्रह जैसे गिरिराज गोवर्धन प्रतिष्ठा थोड़ी करना है, तभी लोग करते हैं है? गिरिराज गोवर्धन गोवर्धन सिंह का वो भी महाप्रभु के कृष्ण ने दिया था, कोई मायावादी शंकरानंद नाम से कोई एक व्यक्ति जो महाप्रभु के दिया था, और महाप्रभु उस गिरिराज गोवर्धन की जो आंखों के आंसू की तरह सेवा दी, और वही गिरिराज गोवर्धन के चैतन्य महाप्रभु किसके दिया? रघुनाथ दास गोस्वामी। जो ये समस्त जो विचार दिखाया गया आया सुन, भाव शुद्ध होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं ये भाई विग्रह की प्रतिष्ठा मत करो है, नहीं तो मायावादी बन जाएंगे। विग्रह प्रतिष्ठा करो किंतु भाव शुद्धि होनी चाहिए है। विग्रह तो बोले गुरुदेव मेरा विग्रह की प्रतिष्ठा कर दीजिए है, और फिर कर तो दिया किंतु आप सेवा नहीं करो, दो चार दिन सेवा किया फिर दो चार सेवा कर दिया है, इसलिए भाव शुद्धि से सेवा करो। कोई भी ग्रह तुम्हारे साथ वार्तालाप करे, जैसे मीराबाई है ठाकुर उनका साक्षात वार्तालाप करने लगे, उनके पोती बोले और पोती तो कैसे था, असुर जैसे था। मीराबाई विग्रह के साथ वार्तालाप करने लगे, बातचीत करने लगे, वो बोले कोई और कोई पुरुष होगा, सो दरवाजा खोले, बताओ कहाँ है, किसके साथ बातचीत किया तुमने है? भगवान भी ऐसी ही है जानबूझ करके उनके साथ बात करके उनके भी कान सुनाई पड़ने लगे। मीराबाई की कथा, मीराबाई तो स्त्री है, स्त्री के सर आ रहे और दूसरी सर के है पुरुष के सर आ रहे, ठाकुर जी के शब्द में बोले कौन सा पुरुष है तो देखो, कोई है ही नहीं हमारे एक ही है जो बस ठाकुर जी गिरिधारी ला है, ये पत्थर थोड़ी बात किया, बोले हाँ पत्थर नहीं है ये साक्षात है, देख है उसके राणा क्या बोले उनके पति, बोले नहीं पुरुष है घर से निकाल कोई नहीं, चल दिया गिरिराज वो क्या बोले ठाकुर जी के लेकर चले वृंदावन में आई। ऐसे थोड़ी बन सकते हो मेरा भाई, तो आप नहीं बन सकते हो आप मेरा भाई नहीं बन सकते हो, इसलिए अनुकरण मत करो। हाँ इसलिए से विचार दिखाए हैं आप मेरा भाई नहीं बन सकते हो इसलिए साधन भजन करो है। एक जन्म किसी प्रकार से लटके फटके है कष्ट शिकार करके भजन करो है, गुरु के प्रति निष्ठा रखते हुए भजन करो है। यदि है तो करो, कोई बात नहीं हम थोड़ी कर सकते है। हाँ सर अपने अपने अधिकार से सब करें ठीक है ना है, प्रचार करो है, ये राधा कांती बहुत अच्छी प्रचार करो है गुजरात हाँ मैंने कहा जाओ वहाँ पर प्रचार करो, घर घर में जाकर घर घर में जाती थी कथा बोलती थी है कि नहीं है, करना पड़े है कि नहीं है, प्रचार करना है।
तो ये है। चलो समय हो गया, कहाँ गए, चलो चलो। इसलिए मैंने इतने तब बताया, जीव के स्वरूप अनुबंधी वृत्ति, इसके ऊपर मैंने इतने समय तक चर्चा की है। जीव गठन के समय स्वाभाविक रूप में जीव एक पोटेंशी रहता है, वो दास हो संत हो दास हो सख हो बात्सल हो, ये पोटेंशी रहता है आशा है। और मैंने दो चर्चा की, और एक चर्चा किया परिकार और जीव में भेद क्या है, वैशिष्ट्य क्या है, ये भी चर्चा किया आज की कथा में है। एक घंटा जो मैंने कथा बताया, इसमें केवल दो सब्जेक्ट मैंने रखा, जीव के स्वरूपानंद वृत्ति क्या है, परिकर तत्व क्या है, और जीव तत्व क्या है। गुरु प्रेमानंदी सब सेवा करो, गुरु प्रेमानंद। कृपा मयि त्वं शरणं प्रपन्नं
You give?